जय माता दी। जो आध्यात्म में आनंद है, जो आध्यात्म में मौज मस्ती है, जो आध्यात्म में सुख है और जो ईश्वर से प्रेम की लो में परमानंद है, वह हर कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता है। जिसको सपने आते वही समझता है कि सपने में उसने क्या देखा, परंतु वो जो सपने में देखा वो कभी भी फिजिकल रूप से आपके सामने नहीं आ सकता। सपना सपना होता है। इसी प्रकार जो अध्यात्म में डूबता है वही जानता है वास्तव में कि अध्यात्म क्या चीज है, रहस्यमय चीज है या काल्पनिक चीज है। और जो मनुष्य अध्यात्म को काल्पनिक कह रहे हैं, मुझे उम्मीद है शायद उनको अभी थपेड़े नहीं पड़े ऊपर वाले के। जिस दिन ऊपर वाले की थप्पड़ पड़ना चालू हो जाएगी, उस दिन से वो काल्पनिक शब्द जो है रहस्यमय शब्द में समझ में आ जाएगा। जो मनुष्य ईश्वर को कल्पना बोलता है, ईश्वर को काल्पनिक बोलता है, एक समय के बाद में उसकी वंश वृद्धि समाप्त होकर वंश समाप्त हो जाता है। जो मनुष्य ईश्वर को ईश्वर न मानते हुए, अदृश्य शक्तियों को अदृश्य शक्ति न मानते हुए, साइंस से तोलता है, अपने दिमाग से तोलता है, पैसे से तोलता है, तो एक न एक दिन उसका वंश वृद्धि समाप्त होकर के वो प्यास से मरते हैं। मरने के बाद में उन्हें कोई तर्पण करने वाला नहीं मिलता है, पिंडदान देने वाला नहीं मिलता है, यह निश्चित है। इसलिए ईश्वर को ईश्वर मानो, ईश्वर के आगे झुको और जो सत्य है उसे सत्य को सत्य कहो, अन्यथा मृत्यु नजदीक है। मरने के बाद में आत्मा भूखी मरेगी, प्यासी मरेगी, जब तड़पेगी और किसी तांत्रिक के कंट्रोल में आकर के गुलामी करेगी, तब समझ में आएगा कि मैंने बहुत झूठ बोला, मैंने हर चीज को काल्पनिक कहा। और जो सिद्धांत उन सिद्धांतों और नियमों की अवमानना की, अवहेलना की, उस समय आंसू बहाने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप कर्म कर चुके होते हो। यदि खेत के अंदर आपने गेहूं बोया है तो आपको खेत में गेहूं ही मिलेगा, और यदि आपने खेत में आम बोया है तो आम ही मिलेगा, क्योंकि कर्म कर चुके हो। ईश्वर कहता है तुमने कर्म कर चुके हो, उसका फल मैं दे रहा हूं। कर चुके का फल देता है वो, जो आगे करने वाले उसका फल नहीं देता है। इसलिए यदि मुंह से ईश्वर के विपरीत किसी को उकसाने के लिए भी यदि आपके मुंह से आपकी जिह्वा से ईश्वर का अपमान हो गया, या ईश्वर के अपमान के खिलाफ कोई आपने ऐसी बात कह दी जिससे ईश्वर की अंतरात्मा को चोट पहुंची हो, तो आपको निश्चित तौर से कष्ट की प्राप्ति होगी, जो कि आपने खेल खेल में बोल दिया, किसी को उकसाने के लिए बोल दिया। बहुत से व्यक्ति बोलते हैं कि जब तक हम किसी को उकसाएंगे नहीं वो बोलेगा नहीं धर्म के बारे में और भगवान के बारे में नहीं बोलेगा, इसलिए भगवान की आलोचना करना पड़ती है हमें। तो आपने तो खेल समझा और खेल खेल के अंदर पाप कर्म कर लिया, और जब पाप कर्म कर लिया तो बीज तो बो दिए पाप कर्म के, तो फल कहां से लगेंगे, सुख की प्राप्ति कहां से होगी। जब पाप कर्म कर लिया तो कष्ट की प्राप्ति तो होगी ही होगी। इसलिए भूल करके भी, किसी को उकसाने के लिए भी, किसी से कुछ उगलवाने के लिए भी ईश्वर के बारे में गलत विचारधारा मत रख। गलत विचारधारा रखोगे, गलत वाणी करोगे, गलत मुंह से जिह्वा से ईश्वर के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल करोगे, तो कष्ट की प्राप्ति तो होगी ही होगी, क्योंकि बीज आपने उस ईश्वर के प्रति नफरत भरे पैदा कर दिए। चाहे आत्मा में नहीं था, मन में नहीं था, परंतु आपने बीज तो बो दिए, और जब बीज बो दिए तो कष्ट की प्राप्ति होने में कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे वो इस जन्म में हो या अगले जन्म में हो। और निश्चित तौर से वो बीज फलित जब होते हैं तब अगला जन्म आ जाता है। इसलिए
ये सब आध्यात्म एक रहस्यमय जिंदगी है। आध्यात्म में हर मनुष्य के साथ में अलग अलग रहस्यमयी घटना घटित होती है। ये काल्पनिक घटना नहीं होती है, घटना घटित होती है परंतु रहस्यमयी घटना घटित होती है। काल्पनिक घटना घटित हो ही नहीं सकती पर रहस्यमयी घटना अवश्य घटित होती है। इसलिए दोनों शब्दों में अंतर है। काल्पनिक का मतलब होता है मन से दिमाग से कोई भी चीज की उत्पत्ति करना जो वास्तव में घटित नहीं होगी उसे कल्पना कहते हैं। और रहस्यमय घटना का मतलब होता है घटना घटित तो हो जाती है परंतु कल्पना के बाहर की बात होती है उसे रहस्यमय घटना कहते हैं। तो आध्यात्म में रहस्यमय है और कल्पना नहीं है, और जो कल्पना कहते हैं वो निश्चित तौर से आध्यात्म की अवहेलना कर रहे हैं। जिसने प्रेत को देखा हो, जिसने प्रेत की थप्पड़ खाई हो, जिसने अपने परिवार के सदस्य जो मर चुके हैं उनको घर के अंदर देखा हो तब समझ में आएगा कि वास्तव में प्रेत क्या होता है, भूत क्या होता है। इसलिए ईश्वर का हमेशा धन्यवाद दो कि हे ईश्वर, पिछले जन्म में हमने जैसे भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं उनके हिसाब से हमें इस जन्म में पैदा कर दिया, खाने पीने की व्यवस्था भी कर दी, मकान की व्यवस्था भी कर दी, बीवी बच्चे की व्यवस्था भी कर दी, कमाई की भी व्यवस्था कर दी, उसको बारंबार धन्यवाद दो कि हे ईश्वर, यदि हमसे पिछले जन्म में कुछ पाप कर्म के बीज डल गए थे अब वो जब भी फलित होने के समय आए तो हमें इतना कष्ट भी मत देना कि हम आत्महत्या करने के लिए चले जाएं, किसी के लिए सुसाइड करने के लिए चले जाएं, पानी में डूबने के लिए चले जाएं या जहर पी लें। हमें इतनी शक्ति देना कि वो पाप कर्म का फल हम सहन कर सके, हंसते हंसते सहन कर सके, ऐसी शक्ति प्रदान करो। ये ईश्वर से मांगो, ईश्वर की बातों की खिल्ली मत उड़ाया करो, धर्म से संबंधित बातों की खिल्ली मत उड़ाया करो। धर्म धर्म राज महाराज है, एक ने एक समय पर वो धर्म राज महाराज जब तराजू के ऊपर तोलेंगे तब आपको समझ में आएगा कि धर्म राज महाराज कौन होते हैं। जय हो धर्म की, जय हो, जय हो, जय माता दी।